मेरे को प्लीज, आपने कुछ नहीं काटा, मेरे को काट के दो ना। वो रेडी कर रहा है, काट रहा है। अंकिता की एक बड़ी फेमस लाइन है शो पे, भौजी एक लाइन हो जाए। अच्छा मैं चलती अब इसका भोजपुरी वर्जन। अच्छा हम चलत रहे अब पंजाबी वर्जन। अच्छा हुण मैं चल दिया अब एक मराठी वर्जन। चला तभी चलते जाती क्यों नहीं, कब से कही जा रही है आप इतनी भाषाओं में? आप उसे तक क्यों बुलवा रहे हैं, जाइए अपना काम कीजिए। अरे भौजी जी, अंकिता लोखंडे ये ले सकते हो आप। थैंक्स ब्रदर। कोई हीरो यहाँ अली यार प्लीज देखो ना यार, पता नहीं क्या ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया है, ग्राइंड वाला भी है पर और भी डाला है, डाल दिया, क्या ऐड करें उसमें? हल्की की चाशनी डाल दो। वो जब तक कर रहा है तू साफ कर ले ना। ओ बाबा हाँ साफ कर ले ना। कैसा लग रहा है? अच्छा है, करेक्ट है। Bro, I am so done with you. Sudesh ji. बच्चे जोर से क्यों किया तुमने? कह रही हूँ पानी लगेगा यार। पानी है, पानी लगेगा। Are you not understanding, bro? मावा मावा। सुदेश जी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं बहुत पीछे चल रही हूँ लाइफ में। तुमने मेरे होते हुए घबराना नहीं निया। कृष्णा चाशनी आती है क्या तेरे को? कैसे बनती है? किसी और की चाशनी यूज कर लेंगे उसमें क्या? यार लेके आना फिर। मैं चाशनी लेकर आ रहा हूँ, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है तेरे। आप लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाशनी है क्या थोड़ी? ये देखिए लास्ट। खत्म हो गई? खत्म। क्या बना रहे हो? अरे ये चाशनी में डुबो रहे हो? हाँ बस चाशनी में डुबा दिया, हो गया। हो गया चाशनी का? नहीं रुको, अभी नहीं हुआ। थोड़ी चाशनी दे दो। सब खत्म भाई। हुँ? सब खत्म। ज्यादा बना लिया करो यार थोड़ा। चाशनी का काम हो गया? हो गया, ये ले लू मैं। आपका आशीर्वाद लेके गए हम माते, सफलता हासिल हुई है। अरे वाह। हाँ बिना चुराए, बिना चुराए। यस कान में मत चिल्ला। 6 5 4 3 2 1 हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए ला रही हो। मैं जिस शहर में जाती हूँ कहते हैं शहर अली अभी ने ऐसे करके रखा है। अब बच के कहना, फिर ना कहना। अगर थोड़ा नमक का टेस्ट आए तो बेबी अपने सबसे बेस्ट है, अपने सबसे बेस्ट है। भाई ये लो। चलिए जिसको अच्छा लगे थम्स अप, जिसको लगे थम्स डाउन। अब पाजी हम टेस्ट करते हैं
पहले मैं मिर्ची का हलवा खाऊंगा। मिर्ची का हलवा नहीं है, समोसा है। यहाँ सूजी का ज्यादा टेस्ट आ रहा है, मिर्ची का टेस्ट ही नहीं है। ये जो पॉकेट है ये तो ठीक है, ब्रेड डिप्ड है, अच्छा है। जो फ्लेवर है, जो जो एक्चुअली होना चाहिए, वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं है। और अगर हलवा का भी टेस्ट करूं तो सूजी ड्राई हो गई है, बिकॉज आपने शुगर सिरप में बहुत पकाया है। पाजी सूजी है तो दवाई लगाओ। ये हलवा नीचे से लीक कर रहा है। मिर्ची उबालते हुए कुछ किया आपने? नहीं किया ना? आप लोगों ने सबने मोटी मिर्ची यूज की है। हाँ। मैं अपने रेस्टोरेंट में पतली वाली यूज करता हूँ। ब्रेड पॉकेट अच्छा है, मीठापन भी है, सॉफ्ट भी है, क्रिस्पीनेस भी है, लेकिन मिर्ची के हलवा में मिर्च जुबान पे ही लग रही है। तो आप क्या चाहते हैं, कहीं और लगे? ओके। वो यहाँ पे पता चलेगा कहाँ लगेगी। है कि नहीं टेस्ट, ये बताइए। पीछे देखो, धुआं तो नहीं निकल रहा? क्या हुआ? ये मिर्च का हलवा का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा है। जुबान पे मिर्च नहीं लग रही है, हल्की सी गले पे लग रही है, ठीक है। और ये ऊपर का क्रंच भी अच्छा है। भाई, अच्छा। इनके प्रोसेस के हिसाब से इन्होंने सूजी एक्चुअली नहीं यूज की है, एंड मैंने पनीर ग्रेट करके डाला, बट इन्होंने खोया काफी डाला है, जिससे हलवा का रिचनेस जो है तो वो बहुत बढ़िया बना। थैंक यू सर। मैंने इसको सबसे पहले फटकरी में उबाला। फिटकरी में उबाला, यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सुनिए सब लोग, कि मिर्च को फिटकरी में उबालना होता है। ये फिटकरी हम लोग जो शेविंग के बाद लगाते खाने में डाला है इन्होंने। वाजिफा, वाजिफा, वाजिफा। उसके बाद इतना सा सूजी डाल के जी, उसमें ये सब डाल के। सर आप खाइए बस। मैं खाऊंगा। बहुत जले भुने लग रहे हैं इनके थोड़े। अली ये अच्छा है, लेकिन इसमें सूजी ज्यादा हो गई, थोड़ी ज्यादा हो गई। मिठास करेक्ट है, सूजी कम होती ठीक है तो मिर्ची का फ्लेवर ज्यादा आता। ये थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ। कोई बात नहीं, चलेगा। पाजी जो आपने इतनी सिल्वर फॉइल खाई है सब लोगों की जी, ये क्या सुबह चेन वेन निकलेगी कि क्या होगा? इसमें भी सूजी मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा ज्यादा। हमारे पास मिर्ची कम थी ना, मिर्ची कम है, मिर्ची कम बची थी ना, हमें को दूसरी बार करना। वो जो आपने दूसरी बार बनाई ना, जिसके कारण जो सूजी है वो उसका ज्यादा फ्लेवर आ रहा है। पॉकेट थोड़े क्रिस्प है, मीठे हैं, अच्छे हैं, क्योंकि सूजी ज्यादा है। वो जो एग्जैक्ट फ्लेवर जिसको कहते हैं ना, जुबान पे नहीं लगा और गले पे लगा, ऐसा हो रहा है, वो बहुत कम है। तो वो लगना चाहिए। आपका चांस है ना, अगर इसमें भी सूजी हुई जीरो है भाई, वो माँ की कसम खिलाएंगे। माँ कसम, जीरो सूजी डाली नहीं मैंने। तू इसमें कोई सूजी नहीं है, इसमें मावा, सिर्फ मिर्ची, फिटकरी, शक्कर। और अच्छा, फिटकरी कब डाली सर? इसे फिटकरी वहां सूजी नहीं, तो पता नहीं डालने का। नहीं नहीं सर, फिटकरी हमने उसमें डाली थी अपना मिर्ची में, जिससे कि निकल जाए सारा। चलो आप टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लो। टेस्ट कहां, टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा। ये गीली गीली नजर आ रही है, ये चाशनी ज्यादा हो गई है। मिर्ची को क्या किया पहले सर? मिर्ची को हमने काटा, उसको ग्राइंड किया और उसमें डाल दिया, सारे बीजे निकाल के ऐसे दिखाई दिया। पूरा बीजे निकाले, सब कुछ निकाला, आप देख लो। नहीं, आपने उबाला नहीं बिल्कुल भी मिर्ची को। नहीं उबाला, बिना उबाले मैंने वहीं पे सीधे उबाला है। तो मतलब फिटकरी कहाँ डाली? फिटकरी मिर्ची में डाली ना सर। फिटकरी शायद नहीं डाली, शायद भूल गए, शायद नहीं डाली। अरे नहीं डाले बोलना, नहीं डाला, भूल गए। क्या हुआ है, क्या गड़बड़ क्या है? अरे आप मत जवाब दो, आपने कुछ बनाया नहीं, मैं बता रहा हूँ। फिटकरी नहीं डाला मैंने, मैं भूल गया। अरे मैं भूल गया, नहीं डाला बोल रहा हूँ। आपने फिटकरी नहीं डाली ना, इसीलिए मिर्ची का टेस्ट जुबान पे आ रहा है, नहीं आना चाहिए था। तो मिर्ची में फिटकरी डाली जाती है, मिर्ची का पन वो कम होता है। मुझे नहीं पता था, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं अच्छा नहीं, नहीं ये तीखा यहाँ लग रहा है। अच्छा तो अच्छे रेस्टोरेंट में तीखा यहाँ नहीं लगता। चलो पाजी आ जाओ फटाफट। रिजल्ट के लिए मैं बता दूं,
चलिए आ जाइए कृष्णा जी, आ जाइए कश्मीरा जी। मीडिया, थैंक यू मीडिया, मीडिया जिंदाबाद। मैं मीडिया का बेटा हूं आज से। परफ्यूम की तरफ से आपको मिलता है गिफ्ट हैम्पर। लेट देम एनवे, लेट देम एनवे।